गुड मॉर्निंग। तो आज है 10th of October और आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। कल हम गए थे मम्मी का टैटू बनवाने, कल हमने मम्मी का टैटू बनवाया था, यहाँ पे उन पापा के नाम का अल्फ़ाबेट लिखवाया था। एक्चुअली मेरे पापा ने भी उनके नाम का अल्फ़ाबेट लिखवाया हुआ है। मैं मम्मी काफ़ी टाइम से टैटू करवाना चाहती थी और मैं इतनी हिम्मत करके उनको ले गई। एनिवर्सरी है तो मेरे आज थोड़ा बाहर बाहर जाना होगा। अब देखते रात को हमें कहाँ जाना है कहाँ पर नहीं जाना है। फिलहाल चलते हैं जिम और एज यूजुअल हम जिम के लिए लेट हो चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं। आज जिम में लेग्स इतनी हार्ड मार ली कि मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, मेरे तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकाली जा रही है, पीछे से आवाज़ डाल के मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरे से सीढ़ियाँ तक नहीं चली जा रही हैं। हालत ही ख़राब हो गया, मैंने लेग्स का वर्कआउट किया था, इतना तगड़ा वर्कआउट हो गया, मैं कम से कम आराम से करना चाहती थी आज, बट वो कम से कम भी इतना ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता नहीं था, और मैं इतनी हालत ख़राब, सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी जाए, मुझे सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी जाए। अभी हम लगाएंगे अपने फेस पर फेस पैक क्योंकि आज हमें जाना है, तो फिर थोड़ा सजना धजना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको अपना फेस पैक दिखाती हूँ, वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और वो आपको ट्राई करना है घर में बना के, मैं दिखाती हूँ। तो इधर मैं बना रही हूँ कन्नू के लिए ब्रेकफास्ट, उसके लिए मैगी बना रही हूँ क्योंकि उसको सिर्फ मेरे हाथ की मैगी अच्छी लगती है, उसके पैर में लगी हुई है। कन्नू लग गई स्कूल में, पता नहीं उसको कहाँ से लग गई लोहा और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो शाम का थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए पैक, क्योंकि अगर इसको दर्द हो रहा होगा तो फिर तो नहीं जाएंगे हम। फेस पैक इसमें है 1 स्पून बेसन, हल्दी और चावल का आटा होता है ना, चावल को आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो तो उसका पाउडर बन जाता है, ठीक है पाउडर, कॉफ़ी थोड़ी सी कॉफ़ी और दही, इन सारी चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स। मिक्स करके जब एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए तो आपको अपने फेस पे लगा लेना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जैसे ही ये सूख जाएगा, जैसे ही आपका फेस पैक सूख जाएगा, इसको आपको ऐसे 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 करके स्क्रब करके उतारना ताकि एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा फेस पे। पर भी ले लिया है हमने एकदम बढ़िया तरीके से आज, क्योंकि बाल धोने पे शाम को जाना तो थोड़ा बाल बाल धुले होने चाहिए ना। आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही होगी, अगर आपको कोई सजेशन देना है मेरी ब्लॉग के लिए तो आप दे सकते हो कि अगर आपको कुछ चीज़ ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, कि फर्स्ट टाइम है तो इतना मुझे पता नहीं है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। क्या बन रहा है स्पेशल एनिवर्सरी पे ये बताओ मुझे सबसे पहले, क्या क्या बना रहे हो ये तीन तीन गेस्ट होंगे? देखो मैं ये क्या, पहले ये बिरयानी के लिए मैंने राइस बना रही, वेज बिरयानी बनाऊंगी, और इसमें ये वेज बिरयानी का मसाला बन रहा है मेरा। अच्छा, और कुकर में क्या रखा हूँ? कुकर में दाल बनाई है मैंने, दाल चावल, दाल भी है राइस भी है और बिरयानी भी है, वाह सारी चीज़ें हैं आज तो। मम्मी का टैटू है, ये है डी अल्फाबेट और ये है हार्ट, ये मैंने ही चूज़ करा था और बहुत ही आई थिंक बढ़िया लग रहा होगा, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारा खाना, ये दाल, हमारी राइस और ये है देसी फ्राइड राइस, जो खाने में और देखने में बहुत ही बढ़िया बनाया है मम्मी ने। अगर आपको वैसे देसी देसी स्टाइल का बनाना है लो बजट में तो NS किचन आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि है मेरी मम्मी का चैनल। तो हम लाइक सो गए थे 1 घंटे के लिए, मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों आज इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को। शाम के 6 तो प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज, अब जा रहे हैं हम मूवी देखने फुकरे 3, जो पैसिफिक सुभाष नगर वाला मॉल है उसमें जा रहे हैं हम लोग देखने, और उसके बाद हमारा वहीं पर डिनर होगा। छोटी सी ब्राउनी मंगवाई है इन दोनों के लिए ताकि काटे, क्योंकि केक में तो कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमारे घर में केक कोई खाता नहीं है सिर्फ इसके अलावा, ठीक है। अब पूरा केक इसको खिला नहीं सकते क्योंकि इसके दांत गिर जाते हैं, दांत पता ही है बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। तो तैयार हो रहे क्योंकि 6 बज गए और 7 बजे का शो है और हमें से अभी कोई भी तैयार नहीं है, फटाफट तैयार होते हैं और गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इतना जाम बढ़ चुका है कि कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी से जाके, तो पता नहीं कभी पहुँचेंगे, और पैसे मॉल की पार्किंग का रश तो बहुत ही ज़्यादा है। गाइस तो हम हो चुके हैं एकदम रेडी प्रॉपर तरीके से, बाल बाल सब बना ली, बड़े बड़े पहनी है एकदम बढ़िया, अब कर रहे हैं हम चलने की तैयारी, भी बाल बांधने पड़ेंगे क्योंकि स्कूटी में बाल एकदम उड़ेंगे, मैं हेलमेट भी लगाऊंगी, तो चलते हैं बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया शूज़ वूज पाके एकदम, आज तो मज़ा आएगी आज तो, हाँ खाना पीना है। तो ये है छोटी सी ब्राउनी जो अभी हम कट करेंगे। पैसिफिक मॉल मम्मी पापा के साथ चलते हैं ऊपर, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो हम आ गए हैं फाइनली पैसिफिक मॉल, हमारी मूवी का टाइम भी हो गया है, मूवी स्टार्ट हुई है बहुत देर के बाद हुई है, 7 बजे का शो था पर 7:20 पे मूवी स्टार्ट हुई है, पर शुक्र है हो गई। तो हम आए हैं ये दरियागंज रेस्टोरेंट में,
ये इंटीरियर है अंदर का, अच्छा बना हुआ है, काफ़ी ठीक है, हाइजीनिक है, अच्छी वाइब है। ये इनका मेन्यू, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है 1947 की इनकी स्पेशल दाल मखनी और पनीर के बारे में, प्रॉपर डिटेल्स दे रखी है 1947 ऐसे लिखा हुआ है, सब बताया है। तो मैं यहाँ पे खाने का वेट करते हुए, ये आ गई है मलाई चाप जो कि बढ़िया लग रही है। अब टेस्ट चेक करते हैं एक बारी, और बढ़िया। ये आ गया दाल मखनी 1947 स्पेशल एंड पनीर लबाबदार विद सम रोटी। तो मैंने ले ली अपनी रोटी एंड दाल मखनी और थोड़ा सा पनीर, और प्याज भी सजा दिया है। अब ज़रा दाल मखनी को मैं ज़रा टेस्ट करती हूँ, बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, आवाज़ बहुत प्रॉब्लम होता। तो अच्छा है, टेस्टी लगा मुझे तो, काफ़ी नॉर्मल टेस्ट है, ना खास नहीं है। सारी दुकानें यार देखो बंद हो चुकी है सारी, ये आइसक्रीम ढूंढ रहा है बट सब कुछ बंद हो चुका है, तो फिर अब इसको आइसक्रीम नहीं मिलने वाली। करते हैं हम व्लॉग को एंड, हम आ गए घर पे। खाना काफ़ी बढ़िया था, टेस्टी था, अच्छा लगा मुझे, बढ़िया लगा, ठीक था, नॉर्मल था, इतना भी टेस्टी नहीं था। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो जल्दी आएगी, तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत, बाय।